नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है टारगेट विद मनीष। तो दोस्तों, आपके सामने मैं आज कुछ कंप्यूटर के वर्ड्स लेकर आया हूँ। इसमें क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स आपको पूछे जाते होंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म दे दिए जाते हैं, उसके लॉन्ग फॉर्म पूछे जाते हैं। तो उसी को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको याद होते हैं, जैसे HTTP, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, जो हल्के फुल्के होते हैं, वो याद होते हैं। तो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद नहीं होते हैं, और वो जनरली थोड़ा देर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। ये सब मार्क्स डिसाइडिंग है, ये आपको मतलब कि एक 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 भी पूछ लेगा तो आपको मार्क्स डिसाइड करेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और उसमें माइनस भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बार देख लेंगे तो आपको कंप्यूटर में जितने भी जो टफ वर्ड है रिलेटेड, वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, आपको मैं याद कराने का कोशिश करूंगा। पहले इसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ये सीरीज, ठीक है। BCD, ABCD में होता है, तो A इसमें नहीं है, BCD है। तो BCD किसका मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, तो बाइनरी कोडेड एक्चुअली एक ही है। इस ये जो है बाइनरी कोडेड, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोडेड कोड, ठीक है, ये है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो क्या है कि कोई भी अपन इनपुट देते हैं, डेसिमल का जो इनपुट देते हैं उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है। वो तो पहले बाइनरी ही समझता है, 0 और 1 को बाइनरी कहते हैं। तो उसी का BCD का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। आप इसको ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे है BCD, इसमें BCD और यहाँ पे कोड भी लगा रखा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ठीक है। क्लास जो अपन लोग पढ़ते हैं क्लास में पढ़ते हैं। तो क्लास में क्या है कंप्यूटर का, इसको हम याद करने का आपको तरीका बना रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है कि आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं क्लास में, 6th standard से शायद शुरू हो जाता है। जब अपन लोग पढ़ते थे तो 6th standard से शुरू हो जाता था, पता नहीं अब तो कौन से बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी से ही स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर। तो चलिए ठीक है, क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। तो स्कूल में ही कंप्यूटर का स्टडी होता है, तो इससे हम रिलेट करके याद करेंगे कि क्लास में ही, क्लास जो बचपन में जाते थे, कंप्यूटर लिटरेसी का, कंप्यूटर का साक्षरता के लिए एंड स्टडी इन स्कूल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है CLASS, ठीक है, क्लास। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, एक्चुअली DTP है क्या, DTP एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के अनुसार ही कोई भी इनपुट वर्क करता है, ठीक है। तो इनपुट आप कोई भी चीज़ देते हैं तो उस पर सॉफ्टवेयर वर्क करता है, फिर आउटपुट देता है। तो DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो डेस्कटॉप पे जो पब्लिश करेगा उसके सॉफ्टवेयर को DTP कहते हैं। DTP मतलब शॉर्ट फॉर्म हुआ, DTP तरीके के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ये सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि DTP एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग ये सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ENIAC, आपको पता है कि ENIAC सर्वप्रथम पहला कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिक बेस्ड था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था ENIAC, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इंटीग्रेटर मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा 12th में। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि छोटे छोटे चीज को इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक के मदद से न्यूमेरिकल यानी संख्या को इंटीग्रेट करना और कैलकुलेट करना, ठीक है, जोड़ना और कैलकुलेट करना। ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक की मदद से नंबर को इंटीग्रेट करना और कैलकुलेट करना, ठीक है, इससे याद रखेंगे। माई, ठीक है, माई मतलब मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है, मल्टीपर्पस माई, ठीक है। ये दिख रहा है मॉम की तरह, ठीक है, माई को हम मॉम की तरह से याद रखेंगे। और मॉम क्या होते हैं, मल्टीपर्पस मतलब खाना भी बनाना, बच्चों को पढ़ाना भी, स्कूल भी भेजना, इस तरीके से आप माई को मॉम से याद कर सकते हैं, ठीक है। मॉम मल्टीपर्पस होते हैं, इंटरनेट भी चलाती है, फेसबुक मॉम चलाती है, मेल भी करती है, इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं थोड़ा रिलेट करके, ठीक है। तो माय मतलब मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। MIPS मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक सेकेंड में, आप अगर सुपर कंप्यूटर देख रहे होंगे, कई सारे मूवी में दिखाते हैं कि कई सारे डाटा ऊपर नीचे जा रहे हैं,
पर सेकंड के हिसाब से कितने सारे डेटा ऊपर नीचे चले जाते हैं, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनको पर सेकंड, ठीक है। तो मीन्स मतलब मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, आप नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि टाइम प्रोटोकॉल है, ठीक है। कई सारे बच्चे यहाँ पे एक ये प्रश्न पूछा गया था, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की जगह नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर एचटीटीपी में होता है ना ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो याद करके रखते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी में याद करके रखते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनटीपी में टाइम प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रह गया। ODBC, ठीक है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। OLE, OLE का फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग मतलब क्या होता है? एम्बेडिंग मतलब होता है फिक्स करना, यानी कि अटैच करना, ठीक है। तो लिंक करेंगे और अटैच करेंगे, ठीक है, लिंक और एम्बेडिंग एक दूसरे का साइनोनिम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को लिंकिंग करना है और अटैच करना है, एम्बेडिंग करना, ठीक है। तो OLE मतलब ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ठीक है। एक थी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म, तो इसको अपन याद करना है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ठीक है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।